जय हिंद जय भारत। मैं आपके सामने पूरे प्रदेश को सच्चाई की चीज़ों से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहते हैं और सरकार से लेके हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी बैठे उनको भी अवगत कराना चाहता हूं। मैं उनको अवगत भी कराना चाहता हूं, जिला कमांडेंट अतुल कुमार जी को भी अवगत कराना चाहता हूं। मैं मंडली कमांडेंट श्रीमान घनश्याम चतुर्वेदी जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग और यहाँ पर मैं जो खोलने जा रहा हूँ वो सच ही खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ये जो आप देख रहे हैं ये बजरंगबली जी का महाबली हनुमान जी की का मैं डाल करके जो भी बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, सही बोलूँगा। अगर देवी देवताओं को आप लोग न मानते हों तो फिर अलग की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री तक अपने देवी आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी ही बताई उनसे ही आशीर्वाद लेके आगे कार्य करते हैं। तो आज सामने प्रकरण ये काफ़ी जटिल हो चुका है और धीरे धीरे इसको बहुत पुराना कर रहे हैं, क्योंकि किसी को बचाने में हेडक्वार्टर से लेके शासन और बैठे जिला कमांडेंट पर के मिश्रा जिनका ये रिश्तेदार मुकेश द्विवेदी का है, इसी ने और एक इनका बहनोई ख़त्म हो गया आदेश कुमार शुक्ला दियो जो जिला अतरौली और हरदोई के रहने वाले मुकेश द्विवेदी, ये भी और के मिश्रा भी हरदोई के उन्हीं के परिवार में इनकी ससुराल भी है, पूरी तरीके से इनको बचाने में लगे हैं। ये देखिए इन्होंने ये मुकेश द्विवेदी हैं का देख लीजिए आप लोग प्रकरण, इसको पढ़ लीजिए समझ लीजिए, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये है कि मुकेश कुमार द्विवेदी के जब ये भर्ती हुए उस समय जन्म तिथि इनकी 81 है और भर्ती ये हुए हैं 22/12/1998 के पश्चात हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की गई। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि दिनांक 4/7/81 अंकित पाई गई है। हाई स्कूल की मार्कशीट में अंकित जन्म तिथियों के आधार पर इनकी जन्म तिथि इनके द्वारा दिनांक 22/12/1998 की भर्ती है जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। भर्ती हेतु आवेदन के समय 18 वर्ष से कम उम्र हो रही थी। उपरोक्त स्थिति तथा एवं तिथि शिकायती बिंदु के तत्वों को पुष्टित करता है कि आपके द्वारा स्वयं को भर्ती के समय 18 वर्ष से अधिक आयु का होना दर्शाने का प्रयोजन से कक्षा 8 की जाली मार्कशीट का प्रयोग किया गया। ये कमांडेंट साहब जांच किए हैं, अतुल कुमार जिला कमांडेंट श्रीमान जी किए हैं। इसके बाद इनकी जो वर्जनल कक्षा 8 की थी
ये जसवंत सिंह इंटर कॉलेज में पढ़े भी नहीं हैं, ये भरावन में पढ़े हैं, इनकी पढ़ाई वहाँ की है। और वे जसवंत सिंह इंटर कॉलेज इनके गांव के बगल में है, इनके गांव ही में है, नदी के किनारे जहाँ यही काम होता। मैं उस स्कूल तक होके आया हूँ, वहाँ शिक्षक नहीं दिए, फिर जनसूचना से मांगा गया, जनसूचना से नहीं दिया, फिर अपील ही करके शिक्षा अधिकारी धारदोई को प्रेषित किया गया पत्र, उन्होंने प्रमाणित कर दिया शिक्षा अधिकारी कि ये जाली मार्कशीट है, इनके नाम से कहीं कोई ना इस रिकॉर्डों में नहीं दर्ज है। इस पे अरुण पुत्र जो पत्रांक संख्या है, जो जाली मार्कशीट, उस पे इन्होंने अरुण पुत्र भैयालाल ग्राम सदना तहसील संडीला जिला हरदोई का नाम अंकित है रिकॉर्डों में, जिस जाली मार्कशीट का इन्होंने प्रयोग किया। और उस समय जब भर्ती हुई है तब इनकी उम्र ओरिजिनल मार्कशीट में 17 साल 5 महीना बन रही है, आप देख लीजिए, इससे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसने तमाम तरीके के नाच नचाया सबको, यानी कमांडेंट के साथ, अपने दस्तखत के साथ में मुझे अपराधी बनाया, कहा एक मेरा प्रतिद्वंदी कट्टर मेरा रामेंद्र है। अरे काम तूने किया है, चोरी का इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर लगाता है, मारसेट खुद लगाया, और इसके बहनोई जो मास्टर माइंड आज बैठा है यही कार्यालय, होमगार्ड कार्यालय पर बीओ है, बीओ की जगह एडीसी बना दिया गया, वही इतना बड़ा मास्टरमाइंड है, वही ये मार्कशीट बनवा के लगवाया। एक बहनोई और राधेश कुमार, वो भी शामिल था, वो पीजीआई में भगवान को प्यारे हो गए। इनको अतुल कुमार जी ने समय दिया, अपने कागज प्रमाणित लाइए, इसको सिद्ध करिए। जब ये मार्कशीटें ले गए तो उसमें उस समय जब भर्ती हुई तो वो 17 साल 5 महीना बैठ रही, और इसके बाद इंटरमीडिएट की लगी है, उम्र तो ही होगी। अच्छा, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट श्रीमान जिला कमांडेंट अरुण कुमार जी के पर लखनऊ के पर छोड़ दिया कि इनके कागज देख करके इनका निस्तारण करें। अब वहाँ भी ये लाए तो वहाँ गलत पाए, मुझे अपराधी बना दिया, मुझे आतंकवादी की मेरे प्रतिद्वंदी है, कट्टर प्रतिद्वंदी है, मैं अगर इस तरीके को होता तो मुझे बाहर न किया जाता। कितनी दम है आप लोग समझ सकते हैं, मुझे प्रशांत, मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया और मेरे सारे केस खत्म हैं। मैं इसी बात को लेके जिला कमांडेंट कृपा शंकर को भ्रमित किया, ये के मिश्रा एडीसी जो बना है, मैंने सत्यता उनको बताई। इसके पहले सुधार का चार साहब ने जांच किया, वो सही पाए, वो हेडक्वार्टर ऑफ शासन तक अवगत करा दिए थे, वो भी रिकॉर्ड में यही हेडक्वार्टर से लेके हाईकोर्ट ये जिला कार्यालय तक रखे हुए हैं। इसके बाद वो नहीं माना, तानाशाही किया, तो मैंने कहा तानाशाही करोगे तो ये मैं भी एक महान देवता का भक्त हूँ, तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम लुटेरे हो, तुम्हारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। मैंने इनको भी बर्खास्त भी कराया, घर की रास्ता दिखा दिया। तो सच्चाई का ये हम डालते हैं, सच ही बोलते हैं, यकीनन मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। आज इसके बाद जब अतुल कुमार जी गलत पाए, मार्कशीट लिखे भी इसमें हैं और इनको ड्यूटी परेड से वंचित भी कर दिए हैं, ये सब प्रमाणित करके हेडक्वार्टर भेज दिए, उसमें जांच अधिकारी जिला उन्नाव को बनाया गया, उन्होंने भी जांच करके दे दिया है, जाली मार्कशीट लगी, इनकी हर रिकॉर्ड में इनकी यही मार्कशीट पाई जा रही, और ओरिजिनल वाली कहीं लगी नहीं। क्यों नहीं लगी? उसमें उस समय 17 साल 5 महीना बन रही थी।
तो इनको हेडक्वार्टर आ गई है रिपोर्ट, आखिर वह हेडक्वार्टर के अधिकारी क्यों दबाए हैं, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं रिकवरी करा रहे हैं, क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं। और सबसे बड़ा खेल देख लीजिए, के मिश्रा एडीसी जो इस समय हैं बीओ, क्या और कोई इंस्पेक्टर नहीं रहा है बीओ बना अपर जिला कमांडेंट बनाने का, यही एक मिला था, वो इतना बड़ा उनको कृपा शंकर को खा गया झूठी रास्ता दिखा के। अच्छा, अब ये मुकेश का पूरा भाग इन्होंने ही सलाह दी, इन्होंने ही मार्कशीट उसमें लगवाई, बनवा को बताया इन्होंने वहाँ से बनवा लो लग, तो इसको अगर पकड़ा जाए, इसकी संपत्ति की जांच की जाए, तो मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार में के मिश्रा एडीसी आ जाएगा। इसकी रिकवरी होनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। इन्हीं का साला है मुकेश द्विवेदी, के मिश्रा एडीसी का। तो ये काफ़ी होगा, मैं ही शिकायत करता हूँ यदि। और सबसे बड़ा ये खेल किया एडीसी के मिश्रा कि सब लखनऊ में किसी का नहीं निकला था एरियर, सबसे पहले पूरा का पूरा पैसा जब ये मामला खुला तो सबसे पहले उसका कमांडेंट अतुल कुमार जीते सिफारिश करके सबसे पहले इनका एरियर निकाल दिया गया। यूँ निकाल दिया गया कि ये प्रकरण है, फंस जाएगा एरियर, इसलिए उनका उनके साले ही सबसे पहले निकला दिए। और होमगार्ड जवान नहीं थे प्रदेश जिले में, तो सबसे पहले सोचने वाली बात उसका क्यों निकालें एरियर, यूँ कि अभी मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा तो जितनी नौकरी किया वो पैसा और ये एरियर का पैसा रिकवरी नहीं मिलेगा और रिकवरी होगा तो गलत तरीके से आरोप लगाने वाला आदमी बच नहीं पाएगा। वो एक झूठता है, एक झूठ बोलता है, 100 में चक्करों में फंस जाता है। झूठ बोलने के लिए 100, एक सच्चाई के लिए 100 झूठ बोलता है, लेकिन झूठा होता है तो फंसता ही चला जाता। हाई कोर्ट इसको ना पेगा, बचाने वाले नहीं बच पाएंगे जो बचा रहे हैं। यदि मैं 10 दिन के अंदर और देख रहा हूँ, मैं खुद इसका जांच कराने वाला, मेरे आवेदन से जांच हुई, मैं ही इसका खोलने वाला हूँ, मैं ही सब सरकार तक इसका भेजा हूँ जिस पे जांच हुई है, फिर भी ये हेडक्वार्टर क्यों नहीं आदेश करता है कमांडेंट महोदय को कि मुकदमा और विधिक कार्रवाई इनके पर की जाए। या 10 दिन के अंदर ये नहीं किए तो मैं पार्टी बना के बड़े जो महत्वपूर्ण अधिकारी मैं अवगत करा के लेटर दे चुका हूँ, लेटर का जवाब नहीं आया है, मैं हाई कोर्ट की शरण लूँगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और इन अधिकारियों के इनके खिलाफ मुकदमा लिखाना ही पड़ेगा, रिकवरी कराना ही पड़ेगा, साथ में के मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए। और इस शख्स इतना बड़ा लखनऊ में लूटपाट, मेरे मास्टर रोल का जो निर्वाचन में मैंने ड्यूटी किया, वो पैसा मेरा पैसा मार दिया, दूसरे का उस पर मेरे साइन है, मेरे सबका बिल दूसरे के नाम से उसमें चढ़ा के पैसा निकला लिया, मेरा एरियर भी निकला लिया, मेरा वेतन का पैसा मेरे पास, वो मास्टर रोल रखा, अभी मैं उसमें जो जहाँ जहाँ नौकरी किया वहाँ दिया ही नहीं जन सूचना से, दिए निर्वाचन में मैं बराबर राजस्व परिषद में किया हूँ, थोड़े दिन निर्वाचन में किया हूँ, थोड़े दिन मंडी परिषद में किया हूँ, कुछ दिन आर्यावर्त बैंक में किया हूँ, पंजाब नेशनल हजरतमंद में किया, मंडी परिषद में किया हूँ, इन जगहों पर किया है, वहाँ कोई नाम नहीं है। तो बहुत बड़ी, जब मेरे एरियर में मेरे वेतन में ये हो सकता है तो बताइए प्रदेश में जवानों के साथ क्या व्यवहार इन लोगों को, एसोसिएशन का डर नहीं है क्यों? रंजीत साहब तक अपना चैनल लेके शासन तक बैठा ले हैं, आप लोग पैसा लेते रहिए, आपको कहीं से आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे, वहाँ अजय प्रताप को बैठा दिए हैं, अजय प्रताप सिंह कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी हैं वहाँ पर, वो देखते रहते हैं,
कि कोई आवेदन नहीं आया, तो वो बल्कि आवेदन करने वाला शिकायत करता उसके पर उल्टा करा देते, उसका बाल बांका नहीं, दोषियों का बाल बांका नहीं हो पाता है। जैसे मनोज कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी, उनको पीड़ित किया गया, वो हाई कोर्ट से फिर बहाल हुई है, इनके पर फटकार पड़ी, इनको इज्जत शर्म की नाम नहीं, तो वो पूरे हमारे हेडक्वार्टर पर बने भ्रष्टाचारियों के राजा माननीय श्रीमान रंजीत सिंह के द्वारा पूरे प्रदेश में जार को बिछाए हैं, भ्रष्टाचारियों की जड़ फैल गई, बेभय लूटा जा रहा होमगार्ड, उन दोषियों को मुक्त और ईमानदार को दोषी बना को उसको विभाग से टर्मिनेट करवा रहे हैं। ये खेल देखिए होमगार्ड विभाग का, और मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं कसम खाया हूँ इन अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों को, इनकी सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा, इनको हम दंड कानून से दिलाएंगे, और मुकेश द्विवेदी ने के बचाने वाले उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ में इनको भी नपवा दिया जाएगा जो बचा रहा, और जिसने साथ के मिश्रा दिया है एडीसी, इसको छोड़ा, इसकी संपत्ति की जांच कर ली जाए, तुरंत खुल जाएगा। ये अकंठ तक लूटे घूम रहा, कोई की फर्जी में से कोई का मास्टर रोल वो सफेदा लगा कर उसकी जन्म तिथि के साथ गड़बड़ी कर रहा, उससे तहसील कर रहे हैं। अब उस समय जब मैं नौकरी कर रहा था तो राजस्व पर्षद और पूरे प्रकरण मतलब का 460 के मालिक थे, ये वहाँ के इंचार्ज थे, इन्होंने खूब लूटा, मेरा खुद लूटा, मेरे पास मास्टर रोल है, साक्ष है, तो ऐसे ये इनका मुकेश द्विवेदी का साला है, यही वजह से हेडक्वार्टर से लेके यहाँ तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, अभी निलंबित हैं, अभी ड्यूटी परेड से वंचित हैं, इनके पर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त होना चाहिए, इनकी रिकवरी भी होनी चाहिए, वो और इनसे जवाब तलब किया जाए। के मिश्रा के पूर्ण रूप से सहयोग करने वाला के मिश्रा है, इनका बहनोई मुकेश द्विवेदी का, यही लखनऊ में, इसको हटाला जाए उस कुर्सी से, और प्रदेश में जो 15-15, 18-18 साल से जमे हैं, इनको क्यों नहीं हटाया जाता? आखिर कौन सी स्थिति है? शासनादेश हो गए, माननीय मुख्यमंत्री कह दे 3 साल से ज़्यादा नहीं, तो देखे गाजीपुर सुरेंद्र कुशवाहा, मिर्जापुर में सुखचंद मिश्र, ये 15-18 साल जिनकी जांच हो रही, उनको वहाँ रहते कैसे जांच हो पाएगी? ऐसी संतोष सचूरी जी क्यों नहीं इनके खिलाफ लिख रहे हैं हेडक्वार्टर को? ऐसी कौन सी इनके सामने समस्या है? ये समस्या है कि ऊपर से कहते रहो यही बने रहें, क्योंकि ये लूट में शामिल हैं, इनकी पट्टी खोल देंगे, पूरे प्रदेश पूर्वांचल में डीआईजी के देख रेख में बड़ी स्तर पर लूट हो रही है, वो एक दिन में पूरा पूर्वांचल का उधर मीटिंग होती है, और मीटिंग करके नाम पर अटैची भर के ये हेडक्वार्टर पर आती है। ऐसा क्यों? इस पे विचार किया जाए, यानी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की जा रही कि 3 साल जो हो चुके उनको तत्काल उस विभाग से, तो जो दोषी है उसको जांच दी गई, और जो अपराधी है अपराध किया है दियो, जो पैसा ले रहा वो आज वहाँ तक वहाँ हटाला नहीं गया, उसके रहते जांच कैसे संभव हो जाए? दोनों दोषी हैं, तो चोर चोर मौसियार भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ, मुकेश समेत इस पे संज्ञान ले, और इन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं न्यायालय की शरण लूँगा, और बचाने वाले को पार्टी बना, और वो तो बच नहीं पाएगा, बल्कि बचाने वाला उसके साथ भी घसट जाएगा। मैं इन्हीं बात के साथ मैं ईमानदारी से बोला, जो भी बोला सच बोला, और मैं इस देवता की कसम खा के सत्य है सत्य ही बोल, मुझे वो अपराधी मुझको कमांडेंट को लिख के दिए कि मेरा प्रबंधन, मैं इतना बड़ा अपराधी होता तो मुझे बहाली क्यों मिलती? जिन शर्तों पर मिली है मेरे सारे केस झूठे समाप्त हो गए, मुझे आज अपराधी और आतंकवादी बना रहा मुकेश द्विवेदी, लिख के दिया इसमें है दम दम को, उल्टा चोर कोतवाल कोतवाल डाल, खुद चोरी किया, मारपीट से आप साबित हो जाएगा मैं कौन सा अन्याय किया,
मैं इसकी मार्कशीट देख लीजिए ओरिजिनल, अब लगाया तब नहीं लगाया अब दे रहा है, तो ना तो इधर से बच पाएगा ना उधर से, झूठ इसकी पकड़ गई। इसको हाई कोर्ट वो दंड देगा और बचाने वाले को दंड मिलेगा, पूछिए नहीं। तो मैं इसको अब बड़े ऊंचे स्तर पर उठा और माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री तक भेज रहा हूँ, आखिर इसको क्यों बचाया जा रहा है। जय हिंद जय। और इसी के हाँ इसी के साथ इसका एक गुर्गा है कौमेद द्विवेदी, जो गालियों से बात करता उसकी मैं सीडी बनवा रहा हूँ अभी माननीय मुख्यमंत्री मंत्री, और मैं वहाँ DM SP वहाँ कमांडेंट वहाँ मंडली कमांडेंट हेडक्वार्टर प्रमुख सचिव सबको भेज रहा हूँ। वो उसके कहने से माँ बहन गाली वो दे रहा है, इसी का लुटेरा इसी का भाई झूठा मतलब डुप्लीकेट भाई है इसका मुकेश द्विवेदी का। आज तक ना कहीं अध्यक्ष रहा ना कुछ रहा, और लूटता खाता रहा और उसको जानते हुए विभाग बचाता रहा, लेकिन इसकी अंतिम समय पाप का घड़ा फूटता है फिर वो संभल नहीं पाता है। ऊपर वाले की लाठी चलती है आवाज़ नहीं होती, लेकिन बड़ी कायदे की सम्मत बन जाती है, उसको याद आ जाते तीन पुश्ती याद आ जाती हैं जब ऊपर वाले की लाठी चलती है। तो ये छोड़ा नहीं जाएगा मुकेश द्विवेदी किसी कीमत पर, और उनको नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने इसको सहयोग करके मार्कशीट लगवाई इसका बानो KK मिश्रा, और जो बचा रहे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे बड़े अधिकारी। जय हिंद जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।